नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। तो अभी आपका सामने जो चार्ट खुला है ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, और इसमें मॉर्निंग को ही देखिए, हम लोग का सॉफ्टवेयर में जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है ये आपका सिग्नल है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने एक सिग्नल दिया था मॉर्निंग को। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये सिग्नल सही था, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको फॉलो करना है वो है सेलिंग का टाइम नीचे का जो रिबन है उसका कलर को रेड होना चाहिए। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मिडिल में आपको दो लाइन दिखाई देगा जो पिंक होकर नीचे का तरफ आ रहा है, ये आपका सेकेंड कंडीशन है। और ऊपर का तरफ देखिए आपको दो लाइन दिखाई दे रहा है, ये ब्लू एंड रेड टाइप का, उसी टाइप का लाइन आपको नीचे में भी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर का जो दो लाइन है वो आपका अपर चैनल है, नीचे का जो लाइन है इसे हम लोग लोअर चैनल कहते हैं। सेल का कॉल हमेशा अपर चैनल पे बनने से बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि लोअर चैनल तक आने का एक मौका मिलता है। तो सबसे पहले आप क्या नोटिस किए, नीचे का रिबन का कलर देखे, मिडिल का दोनों लाइन देखे, और सेल का कॉल अपर चैनल पे बन रहे कि नहीं आप देख लिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों का तीनों कंडीशन आपका फेवर में था, मतलब ये कॉल आपको यहाँ पर कन्फर्म कर रहा है। बट सिर्फ ट्रेंड देखने से ही नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है वॉल्यूम। मैक्सिमम टाइम हम लोग मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ प्राइस का ऊपर बेस करके ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम को चेक ही नहीं करते। बहुत टाइम प्राइस का तो मूवमेंट होता है बट वॉल्यूम का मूवमेंट नहीं होता है। बट प्राइस का साथ अगर वॉल्यूम का मूवमेंट नहीं होगा तो उस टाइप का सिचुएशन में जनरली हम लोग फंस जाते हैं। तो वॉल्यूम के लिए नीचे का जो बार इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम प्रेशर का बार है, रेड कलर का बार मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है। तो जब भी कोई सिग्नल बनेगा ट्रेंड का साथ आपको वॉल्यूम प्रेशर को चेक करना है, अगर दोनों ही मैच होता है तभी जाके आप इसमें ट्रेड लीजिएगा, अदर इज नॉट। तो देखिए सुबह का कॉल आराम से यहाँ पर प्रॉफिट देके निकल गया, और आप तब तक वेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ तक कैंडल रेड था, उसके बाद एक ग्रीन होना शुरू किया, तो ग्रीन कैंडल होने का मतलब है यहाँ पर आपको इंडिकेशन दे रहा है बाइंग कैंडल आ रहा है। तो अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिए हैं और आपको दिखाई दे रहा है मार्केट लोअर चैनल पर चला गया है, तो और वेट करने का जरूरत नहीं है, आप निकल जाएंगे तो बेटर है। देखिए नीचे का रिबन यहाँ से ग्रीन हो गया, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब है यहाँ से बाइंग ट्रेंड आ चुका है, बाय का कॉल बना यहाँ पर। अभी जो बाय का कॉल यहाँ पर बना है, देखिए नीचे का रिबन ग्रीन है, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन है, वॉल्यूम का जो प्रेशर है उस टाइम आपका सेलिंग के लिए ही दिखा रहा था। अभी जैसे थोड़ा दिखाई दे रहा है जो बाय से ये बाइंग का प्रेशर आया है, तो ये आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है जो शायद आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, जिस टाइम बाय का कॉल बनता है अगर उसी टाइम नीचे का रिबन ग्रीन होता है और ये जो दोनों लाइन है उसी टाइम क्रॉसओवर होता है, तो उसका स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे देखिए सेल का कॉल यहाँ पर बना था, उसी टाइम नीचे का रिबन भी रेड था और दोनों लाइन का जो क्रॉसओवर है लगभग करीब ही हुआ था। बट यहाँ पर देखिए बाय का कॉल इस जगह पर बना है, बट नीचे का रिबन इतना पहले से ग्रीन होकर खड़ा है, मतलब यहाँ से ट्रेंड चल रहा है और क्रॉसओवर भी यहाँ पर हुआ था, तो ये काफ़ी डिस्टेंस एक निकल गया है मार्केट में। इसका बाद अगर कोई बाय का कॉल बन रहा है, ऐसा नहीं जो ये कॉल अचीव नहीं करेगा, बट इसका स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कॉल बहुत सारा बनेगा बट स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, जब सिग्नल कोई बने उसी टाइम अगर क्रॉसओवर हो, नीचे का रिबन और वॉल्यूम प्रेशर आपका मैच हो, उसका ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो होपफुली कंसेप्ट समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और फाइनली एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप हम लोग का फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ कॉल मिलने वाला है, तो उसके लिए जस्ट एलआईएस ब्लू या अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके आप हम लोग का जो यूट्यूब टेलीग्राम में जो फ्री चैनल है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए नीचे में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, चाहे आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन किए या एलएस ब्लू में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, किसी में भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है। टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।